अब खबरें विस्तार से। कोल्हान कमिश्नर मनोज कुमार गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने मतदाता पहचान पत्र पुनरीक्षण कार्यों को लेकर जिले के उपायुक्त सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही अहम दिशा निर्देश देने के बाद वे जिले में चल रहे मतदाता पहचान पत्र पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा के बाद सीधा पोटका के लिए निकल गए। आयुक्त ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य में किस तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए, इसका विशेष ध्यान रखने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया गया है, ताकि आदर्श मतदाता सूची तैयार हो सके। उनका नाम आना चाहिए और जो वोटर नहीं है, किसी वजह या तो डेथ हो गया हो या किसी वजह से वो अनडिस्क्वालीफाइड जो डिस्क्वालीफाई हो गए उनको हटाया जाए। तो एडिशन डिलीशन का काम सावधानी से और ईमानदारी पूर्वक हो, इसके लिए हमने डायरेक्शन दिया और स्वयं भी हम फील्ड में जाकर देख रहे हैं कि जो आवेदन आए उस पर सही ढंग से कार्रवाई हुई कि नहीं। अभी केंद्र सरकार द्वारा विगत दिनों पेट्रोल और डीजल के कर में छूट दी गई। इसके बाद भाजपा शासित राज्यों में भी राज्य सरकारों ने अलग से पेट्रोल और डीजल पर छूट दी, जिसके काफी हद तक दामों में गिरावट आई है। हालांकि अब तक झारखंड सरकार ने अपने स्तर पर किसी तरह की छूट लागू नहीं की है। इसके खिलाफ प्रदेश भाजपा के निर्देश पर राज्य भर के सभी पेट्रोल पंपों में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जमशेदपुर में भी यह अभियान चलाया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न पेट्रोल पंपों में यह अभियान चलाया, जहां आम जनमानस का रुझान भी हस्ताक्षर अभियान के प्रति दिखा। लोगों ने पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने हेतु हस्ताक्षर अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश की जनता को पेट्रोल और डीजल के करों में छूट देकर बड़ी राहत दी है, जिसके बाद भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी छूट देकर जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दिया है। ऐसे में झारखंड राज्य की सरकार निद्रा में है और इस कारण यह अभियान राज्य भर में चलाकर सरकार को जगाने का कार्य भाजपा कर रही है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया, जो राज्यों की जिम्मेदारी है, वैट की जिम्मेदारी है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिस राज्य में, वहां वैट को कम किया गया। वैट को कम करने से और भी कमी आई, परंतु यह राज्य झारखंड राज्य में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार है, यह अपने हिस्से की वैट टैक्स को कम नहीं कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे राज्य भर के सभी पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान कराकर इस सोई हुई लूली लंगड़ी अंधी बहरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। आम जनमानस का विरोध इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से मिल रहा है। लोग हस्ताक्षर करके अपना विरोध हेमंत सोरेन सरकार के प्रति जाहिर कर रहे हैं और हम लोग यह आंदोलन को और भी आगे बढ़ाएंगे, ताकि यह सरकार वैट टैक्स को कम करने पर मजबूर हो। जमशेदपुर के बागबेड़ा उत्तरी घागड़ी पंचायत भवन में लगे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत घोर अनियमितता देखने को मिली, जहां घोर अनियमितताओं को देखते हुए विधायक संजीव सरदार भड़क उठे और प्रखंड विकास पदाधिकारी की जमकर क्लास लगा दी। बागबेड़ा के उत्तरी घागड़ी पंचायत भवन 7 पंचायत के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अचानक से छोटे से जगह में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इतनी ही नहीं, बिजली विभाग, पेयजल विभाग, शिक्षा और बाल कल्याण विभाग से किसी पदाधिकारी और कर्मचारी के उपस्थित नहीं होने पर विधायक संजीव सरदार भड़क गए। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी के क्रियाकलापों पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ आगे शिकायत करने की बातें कही। वास्तविक आज ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री के 2 साल होने का जा रहा है और इस 2 साल के दौरान आज यहाँ पे पूरे कहीं ना कहीं ऑफिसर लोग खानापूर्ति काम कर रहे हैं। यहाँ पे आज हम लोग देखें एक ही पंचायत में जगह ही नहीं है, यहाँ 7 पंचायत का आज आयोजन किया गया और इसमें साफ तौर पर कोई बैनर नहीं है, कोई लोगों को समझ नहीं पा रहे और आज बिजली विभाग का कोई पदाधिकारी नहीं है और साथ ही साथ हमारे पेयजल
के कोई प्रखंड के पदाधिकारी नहीं है, शिक्षा विभाग के कोई पदाधिकारी नहीं है, और था बाल विकास परियोजना के प्रखंड स्तरीय कोई सक्षम पदाधिकारी नहीं है। तो ये सारे देखा जाए अभी भी अफसर लोग जो भी है प्रखंड के लोग मनमाने रवैया से ये लोग आयोजन कर रहे हैं, कहीं सरकार का उद्देश्य को सफल बनाने के लिए लोग नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि आने वाला दिन में अगर इस तरह का कार्यक्रम होगा जो हमारा सरकार झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री के जो सोच सच के ऊपर में हम लोग नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए बस आज जो भी कमी है और इस कमी को माननीय मुख्यमंत्री तो हम पहुंचाने का काम करेंगे और ऐसे पदाधिकारी को कार्रवाई करने का भी हम काम करवाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गुरुवार को आदित्यपुर पहुंचे, जहां वे सीधे श्री डुंगरी स्थित दिगवंत ईंचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो के घर गए, जहां उन्होंने दिगवंत पूर्व विधायक के परिवार वालों से मुलाकात कर उनका ढांढस बधाया और दुख की इस घड़ी में साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि बीते सोमवार को ईंचागढ़ के पूर्व विधायक साधु महतो का कोलकाता के रविंद्रनाथ टैगोर अस्पताल में निधन हो गया था। हालांकि एक दिन पूर्व स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलने पर केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सोमवार को पूर्व विधायक ने अंतिम सांसें ली। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि साधु चरण महतो का आकस्मिक मौत मेरे लिए निजी क्षति है, उनकी कमी को पूरा करना संभव नहीं है। पार्टी ने एक जुझारू और कद्दावर नेता को खो दिया। इस दौरान जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित सिंह, भाजपा नेता गणेश महाली, जिला अध्यक्ष विजय महतो, शैलेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। स्वर्गीय साधु चरण महतो बहुत ही श्रेष्ठ पार्टी के समर्पित नेता रहे और लगातार पार्टी के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए अपने जुझारूपन के साथ जनता के साथ जुड़े रहे, पार्टी का काम करते रहे। अचानक पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब हुई और जांच में पता चला कि उनके किडनी प्रॉब्लम हुई है। ये दौर बहुत कठिन दौर है, कोरोना से जूझ रहे हैं। उनके इस अस्वस्थता के बीच में उन्हें कोरोना हुआ। कोरोना के इलाज के दौरान कुछ साइड इफेक्ट्स आए, इलाज के लिए कलकत्ता ले जाया गया। एक आशंका बनी हुई थी, लेकिन रिस्क लेकर कलकत्ता ले जाया गया। कोशिश हुई कि बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो और कुल मिलाकर के उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो रहा था, लेकिन अचानक फिर नई बीमारी का सूचना, उसके वजह से उनके हेल्थ में काफ़ी डिटोरिएशन हुआ और अंततः वो हमारे साथ नहीं रहे। ये बहुत दुख का क्षण है, दुख की घड़ी है। जमशेदपुर में एक बैंक कर्मी द्वारा महिला को नौकरी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का मामला प्रकाश में आया है। मामला कदमा थाना क्षेत्र का बताया जाता है। वैसे महिला की शिकायत पर कदमा थाना पुलिस ने आरोपी बैंक कर्मी को बुधवार को पूछताछ के लिए न्यायिक हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद उसे थाने से ही छोड़ दिया, जिससे नाराज महिला गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं महिला ने बताया कि बैंक कर्मी द्वारा एसबीआई लाइफ में नौकरी दिलाने के नाम पर उसे एक होटल के कमरे में बुलाया था और विरोध करने पर उसके साथ जबरदस्ती करने का भी प्रयास किया, साथ ही उसके आवेदन को अस्वीकृत भी कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने का दावा कर रही है। वैसे इस संबंध में कदमा थाना प्रभारी ने बताया है कि महिला के आरोपों की जांच की जा रही है, साबित होने पर बैंक कर्मी को गिरफ्तार किया जाएगा। हम एक्चुअली लोन करवाते हैं, तो लोन में फाइल में उनको पैसा लेते हैं मेरे से। जैसे लोन का फाइल करते हैं तो हम कहीं का पर्सनल लोन देंगे, 4-5 हज़ार रुपए लेते हैं। ऐसे फाइल जैसे फाइल हुई आने के ऊपर हुआ, फिर वो मेरे को नौकरी के नाम पे भी बोले कि हम नौकरी दिला देंगे तुमको एसबीआई लाइफ में या म्यूचुअल फंड में। तो हम बोले ठीक है सर आप नौकरी, लेकिन नौकरी के नाम पे हम ये सब नहीं करते हैं, तो हमको नहीं ये सब पसंद है सर, प्लीज सर। जब वो नहीं माने, हम पैर में भी गिरे उनका कि प्लीज मेरे को छोड़ दीजिए, हम इस तरह का लड़की नहीं है। ये डुमना का एक हाईवे में होटल है, वहाँ पे जब रुक करके और रूम खोलने लगे और मेरे को जबरदस्ती रूम में खेलने लगे, रूम लेने लगे, नहीं कुछ नहीं होगा, किसी को नहीं पता चलेगा। हम लोग किसी को पता चले नहीं चले, खुद को पता चलता है ना, मेरे लिए यही काफी है, मेरे को इस तरह से मत कीजिए। फिर वो जैसे मेरे हाथ तरफ बोला, हम ये करके हम भाग गए।
सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां बीते 19 नवंबर को भाटिया बस्ती के अपहरित सलीम शेख मामले का उद्भेदन करते हुए आदित्यपुर थाना पुलिस ने कुख्यात अपराध कर्मी औरंगजेब खान और शेख पप्पू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से सफेद रंग का ऑल्टो कार और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। जानकारी देते हुए आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि अपहरित सलीम शेख राजमिस्त्री का काम करता था। उसके मामा आसिफ शेख की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए प्रोफेशनल तरीके से अनुसंधान के क्रम में पता चला कि सलीम शेख को कांड्रा रोड में काम दिलाने के सिलसिले में ले जाया गया था। बाद में मुंह बांध कर उसे बादाम पहाड़ ले जाया गया, जहां से 10 लाख रुपए के फिरौती की मांग की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से औरंगजेब खान और शेख पप्पू के चंगुल से सलीम शेख को सकुशल बरामद किया गया। हालांकि इस मामले में अन्य अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने सभी को जल्द गिरफ्तार कर लेने का दावा किया है। आवेदन के आधार पर हम लोगों ने एक अपहरण का कांड दर्ज किया 23 तारीख को। उनके द्वारा बताया गया कि 19 तारीख को उनके मामा जो जिनका नाम सलीम शेख है, वो यहीं पे भाटिया बस्ती में रहकर और बिजनेस मजदूरी का काम करते थे, उनका किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है और उनके बदले में 10 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए अन्य अन्य जगह संभावित जगहों पर छापामारी किया गया तथा पीड़िता को उड़ीसा के बादाम पहाड़ थाना अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया और वहां से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अन्य संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध में छापामारी चल रही है और 91 प्रयुक्त कार को जब्त किया गया है। जमशेदपुर में वेदांता इंस्टीट्यूट के द्वारा आगामी 28 नवंबर को एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद विश्वविख्यात सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार मौजूद रहेंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं के वैसे छात्र जो इंजीनियरिंग या मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटे हैं, वे इस सेमिनार में शामिल होकर इसका लाभ ले पाएंगे। वहीं इनके द्वारा आगामी 18 से 26 दिसंबर तक टैलेंट हंट एग्जाम का भी आयोजन कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए किया जाएगा, जिसमें उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को 1 लाख तक कैश प्राइज और स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। 28 नवंबर को संध्या 4:30 बजे सुपर 30 के फाउंडर्स आनंद कुमार जी शहर में आ रहे हैं और वेदांता का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम टैगोर सोसाइटी में होने वाला है और आनंद सर आकर बच्चों को और पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि आगे हम किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से अपने जो भी हमारा गोल है उसे पा सकते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।